खबर बहुत जनपद से, जहां पुलिस अधीक्षक मोह सुशील घुले के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी तथा क्षेत्राधिकारी नगर धनंजय मिश्र के कुशल पर्यवेक्षण में थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा थाना स्थानीय की एक महिला से ऑनलाइन दोस्ती कर सरकारी बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर ऑनलाइन माध्यम से रुपए ठगने के संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियुक्त बब्बे पुत्र मुन्ना निवास खिन्नी का पेंट थाना शाहबाद जनपद हरदोई को आज मतलुपुर मोड़ से गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया। आपको बता दें कि दिनांक 29/9/2019 को थाना दक्षिण टोला पर एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक व्यक्ति जो अपना नाम सलमान निवासी हरदोई बताता है, कॉल कर मुझसे दोस्ती कर बैंक में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर कई बार में अब तक कुल 4,15,000 रुपए ऑनलाइन तरीके से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया है, लेकिन अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिली। बाद में मुझे पता चला कि वह मुझे ठगी का शिकार बना लिया है। इस घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना दक्षिण टोला के नेतृत्व में टीम गठित की गई। साइबर सेल के मदद से ज्ञात हुआ कि उक्त दोनों अकाउंट जिसमें महिला द्वारा पैसा ट्रांसफर किया गया वह हरदोई का है, जिसमें हकीकत पर अभियुक्त बब्बे पुत्र मुन्ना निवासी खिन्नी का पेड़ थाना शाहबाद जनपद हरदोई को गिरफ्तार किया गया। मऊ जनपद से विजय भान कुमार की रिपोर्ट। युवक है जो फेसबुक के माध्यम से नौकरी लेने के नाम में लाखों रुपए बैठे थे एक महिला से, क्या है पूरा मामला कैसे? इस संबंध में थाना दक्षिण टोला में एक मुकदमा 242/20 दर्ज था, जिसमें धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। इसमें बात ये थी कि एक युवक द्वारा महिला से फेसबुक पे संपर्क करते हुए उसको बैंक में नौकरी दिलाने का प्रॉमिस किया था और उसी के क्रम में उससे बातों में उलझा करके उससे कुछ पैसा ले लिया था। उस महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी विवेचना थाना स्तर पर हो रही थी। उसी अभियुक्त को जो कि हरदोई का रहने वाला है उसको अभी गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है बब्बे पुत्र मुन्ना, यह रहने वाला थाना शाहबाद जनपद हरदोई का है। इसको गिरफ्तार किया गया है, मुकदमे में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक है।